नमस्कार जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे एक खजाने की। जी हाँ, ग्वालियर में उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के बीचों बीच एक प्लॉट में खुदाई के समय गड़ा खजाना मिलने की बात लोगों ने सुनी। खजाने की खबर से वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। खजाने में विक्टोरिया काल के सिक्के मिलने पर अचानक मजदूरों के तेवर बदल गए और वो भागने की फिराक में लग गए। कुछ गड़बड़ी होने की आशंका पर आसपास के लोगों ने मजदूरों को दबोचा तो उन्होंने सिक्के मिलने की बात कबूली और अपने पास रखे सिक्के दिखाए। खजाना लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे भी चले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिक्के जब्त करते हुए मजदूरों को हिरासत में ले लिया। जो प्लॉट था तो प्लॉट पर क्या है, सुबह लेबर को भेजा गया था तो लेबर सुबह गई थी 7:30 बजे की, 7 बजे की घटना है। तो वहाँ पर क्या है, खुदाई के वक्त पर कुछ चांदी के सिक्के बरामद हुए थे तो जो खुदाई के तौर पर निकले थे। तो वहाँ पर उन्होंने छुपाने की कोशिश की तो क्या हुआ, मोहल्ले वालों ने देख लिए तो उन्होंने भी हाथ सफाई कर ली वहाँ पर, तो उन्होंने ले लिए कुछ सिक्के। तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने मारपीट भी की लेबर के साथ में। तो अभी पुलिस आई तो पुलिस ने देखा तो पुलिस ने लोगों को वहाँ से मोहल्ले से भी उठा के लाई और लेबर को भी लेके आई है। और जहाँ वो उन्होंने मलबा फेंका था वहाँ पर भी गए थे हम लोग, तो वहाँ पर भी देखा, सब सफाई करवाई तो वहाँ पर कुछ नहीं निकला, पर कुछ सिक्के बरामद हुए हैं और कुछ सिक्के अभी हैं जो सिक्के, तो वो भी अभी इनसे निकलवाते हैं। तो पूछताछ अभी चल रही है तो वो थोड़ी देर बाद पता पड़ जाएगा आप लोगों को। अभी जो सिक्के का लगभग अभी पता पड़ा है वो 35 से 40 सिक्कों का पता पड़ा है, और आगे अभी पूछताछ चल रही है तो अभी जो भी होगा तो पता पड़ जाएगा। खल्लासी पूरा मोहल्ले में एक मकान की खुदाई के दौरान कुछ चांदी के सिक्के मिलने को पुलिस की सूचना प्राप्त। पुलिस वहाँ पर पहुँची तो 7 चांदी 80 लाख के सिक्के, ये ब्रिटिशकालीन सिक्के हैं, लगभग 1887 से 1882। अच्छा, लूटपाट की कोई घटना है? नहीं नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वो दो मजदूरों को, एक उनके पड़ोसी को पुलिस ने पूछताछ कर रही है, पूछताछ में जैसी स्थिति हो रही है। तो देखा किस तरह से सिक्के पाने की आस में लोग एक दूसरे से ही भिड़ गए। जनसारथी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही।